मेरा बच्चा एक ही है, मेरे बच्चे के सिवा मेरा कोई भी नहीं है, मेरा बच्चा एक ही लाश है मेरे को देखने वाला, मेरे बच्चे के सिवा मेरा कौन भी नहीं है। दवा जो उसको पिलाई गई है ये काफी खतरनाक है, इसको ज्यादा मकदार में पिलाने के बाद बच्चे की जान भी जा सकती है और बच्चे की कंडीशन बद से बदतर है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि ऐसे स्कैनिंग सेंटर हॉस्पिटल्स को बंद करना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। गुलबर्गा शहर के गिरीश स्कैनिंग सेंटर की लापरवाही से एक 6 साल का मासूम लड़का पिछले 2 दिन से जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। वाड़ी तालुका गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले इस मासूम के माँ बाप बच्चे की तबीयत खराब होने से गुलबर्गा शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे। डॉक्टर ने MRI स्कैन के लिए गिरीश स्कैनिंग सेंटर को रेफर कर भेजा तो स्कैनिंग सेंटर में इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। बच्चे के माँ बाप को परेशान देख वाड़ी से ताल्लुक रखने वाले सोशल एक्टिविस्ट शमशीर अहमद ने जब मामले की जांच की तो मालूम हुआ कि माँ बाप बच्चे को गुलबर्गा KCD कॉलेज के सामने डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को लेकर आए थे। इस मासूम को फिट्स की प्रॉब्लम थी और हॉस्पिटल से ब्रेन स्कैनिंग के लिए गिरीश स्कैनिंग सेंटर को रेफर किया गया था। शमशीर अहमद और यूसुफ पटेल ने मीडिया से बात कर कहा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में साफ लिखा था कि इस बच्चे को MRI स्कैनिंग से पहले दी जाने वाली दवाई 5 ml के हिसाब से कुल 20 ml ही दी जाए, लेकिन उसके बावजूद इस मासूम को गिरीश स्कैनिंग सेंटर के डॉक्टर्स ने 70 ml दवाई दी है, जिसके बाद ये मासूम लड़का कोमा में चला गया है और बसवेश्वर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। बच्चे के माँ बाप ने ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है। पुलिस कंप्लेंट होने के बावजूद गिरीश स्कैनिंग सेंटर के डॉक्टर्स अपनी लापरवाही को मानने तैयार नहीं हैं और अब तक पुलिस की जानिब से कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। आजकल छोटे मासूम बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, पर शहर में ऐसे कई हॉस्पिटल और स्कैनिंग सेंटर्स हैं जो सिर्फ पैसा लूटने की दुकान खोल रखे हैं। इन लोगों को इंसान के जान की कोई अहमियत नहीं रही। बच्चे के माँ बाप और सोशल एक्टिविस्ट ने आप तमाम से इस मासूम के सेहत याबी के लिए दुआ की गुजारिश की है। मज़ीद जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। 3 अगस्त 2023 में हमारी बहन गौसिया जो है वाड़ी से है, हमारी पड़ोसी है, ये सब हमारे भाई जैसे है। तो इसके बेटे को फीट्स था, फीट्स की शिकायत की वजह से डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन जो KCT के पास जो पीडियाट्रिशियन है उनके पास लेके आके उनको बताए तो दिमागी उसका स्कैनिंग कराने के लिए MRI कराने के लिए उसको गिरीश के पास ख्वाजा मोइनुद्दीन रेफर करके भेजे और रेफरेंस लेटर में साफ तौर पे वो लिखे जो दवा MRI कराने के लिए डाली जाती है जिससे बच्चा जो है मधोशी के आलम में रहे, वो दवा 5 ml डाली जाती है और 5 ml डालने के लिए वो रेफर करके भेजे। तो वहाँ पे गिरीश स्कैनिंग सेंटर में आधे घंटे के दरमियान में बारी बारी करके 4 बार 25 ml 25 ml एक बार 25 ml एक बार फिर 10 ml एक बार 10 ml एक बार करके 70 ml दवा वो बच्चे को पिलाई गिरीश स्कैनिंग सेंटर के डॉक्टरों ने, जिस वजह से 3 अगस्त से लेके आज 4 अगस्त रात में 10 बज रहे हैं अब तक भी वो बच्चा होश में नहीं आया। तो बच्चा होश में नहीं आने की वजह से मगरिब के टाइम पे लेके आके बसवेश्वर हॉस्पिटल में एडमिट करे तो बसवेश्वर हॉस्पिटल के डॉक्टरों का ये कहना है कि ये दवा जो उसको पिलाई गई है ये काफ़ी ख़तरनाक है, इसको ज़्यादा मकदार में पिलाने के बाद बच्चे की जान भी जा सकती है और बच्चे की कंडीशन बद से बदतर है। बच्चा वेंटिलेटर पर फिलहाल है। उसके बाद ये लोग हम लोगों से रब्ता किए, हम लोग आने के बाद एक ही बात बोले कि भाई कानून को हाथ में नहीं लेना अच्छी बात नहीं, आके जो भी कंसल्ट पुलिस डिपार्टमेंट आता कंसल्ट पुलिस स्टेशन आता वहाँ आके जो है कंप्लेंट देने के लिए आए। तो यहाँ पर भरमपुर पुलिस स्टेशन के सर्कल साहब जो है अच्छा रेस्पॉन्स दिए, मैं था, मदर खान साहब थे और हमारे साथ काफ़ी लोग आके यहाँ पर सर्कल साहब से बात करने के बाद अच्छा रेस्पॉन्स दिए। तकरीबन 1 घंटे में 4 से 5 बार गिरीश स्कैनिंग सेंटर के डॉक्टर गिरीश को उन्होंने अपने फ़ोन से 5 बार उनको कॉल किया, उसके बावजूद भी गिरीश साहब यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं थे। उनको और सर्कल साहब ने अपने किसी पहचान वाले डॉक्टर से ये बात मालूम भी की कि इस दवा को पिलाने के बाद क्या होता है, तो सर्कल साहब से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी बोला कि ये दवा इतनी नहीं पिलाई जाती है, दवा पिलाने की वजह से ही बच्चे की हालत आज ऐसी है। तो उन्होंने पर्सनली भी कॉल करके उसको बोला कि भाई आके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप लेके आके आप वो बच्चे को कहीं भी एक ऐसी जगह अच्छी जगह ट्रीटमेंट दिला के वो बच्चे को शिफा पहुँचाने में मदद कीजिए। तो ये सुनने के बाद भी वो नहीं आया। उसके थोड़ी देर बाद सर्कल साहब की आँखों का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उनकी आँखों में इन्फेक्शन होने की वजह से वो बहुत बेचैनी में थे, हमें बोल के ही वो गए कि मैंने जितना भी था आपको कॉपरेट करने की कोशिश की, हम लोगों को सर्कल साहब से कोई शिकायत नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स दिए, मगर यहाँ के एक PC है ज्योति मैडम करके और एक बसवराज सर करके PC है बरमपुर के, वो दोनों अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। गिरीश के तरफ से कुछ बंदे आए थे यहाँ पे बात करने के लिए,
लेकिन ये लोगों ने उनको वापस भिजा दिया, बात नहीं करके उनको वापस भगा दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने उनसे दरियाफ्त किया कि उनको आपने क्यों भगाया, तो वो हमें बोलते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं आती कि उनको बुला के बात करने का, आप कंप्लेंट दिए ना, आप चले जाओ ऐसे। और कंप्लेंट के नाम पे सिर्फ ये एक रिटर्न कंप्लेंट हमारी ली है उन्होंने, एक अर्जी है ये पिटीशन, बाकी कुछ भी नहीं है, ना FIR किया है ना कुछ किया है। वो बोलते हैं कि FIR हम नहीं कर सकते करके, वो बच्चा आज मर रहा है, ये माँ तड़प रही है, ये सभी उसके रिश्तेदार आज इनके सामने रो रहे बिलख रहे, तो भी ये कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं है, ना FIR करने के लिए तैयार है। उल्टा ये बात ज्योति मैडम और बसवराज PC बोलते हैं कि आप लोग गिरीश के स्कैनिंग सेंटर पे जाओ, तोड़फोड़ करो, उनके साथ हंगामा करो, अगर वहाँ से कुछ कॉल आता है तो तब हम लोग आएंगे। तो इसका मतलब कानून के रखवाले हमें कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि जाकर आप तोड़फोड़ करो। अगर हमें तोड़फोड़ करनी होती या कानून को अपने हाथ में लेना होता तो हम इनके पास क्यों आते थे कंप्लेंट देने के लिए? हम इनके पास कंप्लेंट देने इसलिए आए क्योंकि कानून को हम हाथ में लेना नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे कि बगैर कानून को हाथ में लिए वो बच्चे की जान अगर वापस बच सकती है तो बचाए, जितनी लेट हो रहा है उतना वो बच्चा मौत के नज़दीक जा रहा है। हमारा सभी लोगों से मुतालिबा ये है और ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालिबा है कि वो बच्चे की जान अगर बच सकती है तो बचाने की कोशिश करें, अगर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा तो बच्चे की जान बच सकती है। गिरीश स्कैनिंग सेंटर है, वहाँ पे दो दिन पहले एक बच्चा था जिसको कुछ एक बीमारी की वजह से यहाँ पे स्कैनिंग के लिए लाया गया था, तो वहाँ पे स्कैनिंग करने के टाइम पे कुछ दवाई पिलाई जाती है जो डॉक्टर पहले जहाँ पर ये लोग बताए थे वहाँ पर लिख कर भेजे थे कि बिल्कुल 20 ml पिलाना है, तो 20 ml से ज़्यादा पिलाने के बाद जो है ना बच्चा सपरेशन में चले गया है, बच्चा कोमा में चले गया। अब यहाँ पे हम आए थे बात करने के लिए तो वो लोगों का बोलना ये है कि हम बिल्कुल दवा कम पिलाए हैं जितनी पिलाना था और बच्चे को पिंच किए हैं, बच्चे को पिंच इसलिए करते हैं चिमटी लिया जाता है ये दवा डालने के बाद बच्चा ताकि होश में आए, तो बोलते हैं ये हमारे पास CCTV फुटेज है, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे किसी के भी अपने ही होते हैं। तो मेरा बोलने का ये मकसद है, मैं अल्लाह से भी दुआ गो हूँ, अल्लाह सुबहान तआला बच्चे की ज़िंदगी को महफूज रखे और बच्चे को बचाए। अगर वो सही होते सही रहते तो 2-5 मिनट में नीचे उतर कर अपनी CCTV को हमको बताते और सेटिस्फेक्शन देते कि हम सही हैं, वो चीज़ नहीं हुई है। मैं लिहाजा डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल डिपार्टमेंट जब आएगा तो पूरी चीज़ निकल जाएगी, बच्चा आने के टाइम क्या पोजीशन था और बच्चे को लेकर जाने के टाइम का पोजीशन क्या था, ये पूरा वेरीफाई करने के बाद अगर इस बात को सच निकलता है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि ऐसे स्कैनिंग सेंटर हॉस्पिटल्स को बंद करना चाहिए। जान मामूली बात नहीं है, अल्लाह ताला भगवान एक जान देने के बाद जान लेने का जो है ना किसी का इख्तियार नहीं है, ये लापरवाही के नतीजे की वजह से किसी की जान जा सकती है। अगर वो सच है हकीकत है वो काम नहीं किए हैं हकीकत है तो उसका वीडियो बताना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी में जो भी आएगा अगर इंक्वायरी में गलत निकलता है तो तुरंत इस स्कैनिंग सेंटर को सील करना चाहिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ। मैं गुलवाड़ी से गुलबर्गे को डॉक्टर के पास आई थी, मैनोदीन डॉक्टर खाजा मैनोदीन KCT कॉलेज के पास है उनका दवाखाना, तो उन्होंने क्या करे मेरे बच्चे को MRI कराना, बच्चे का दिमाग छोटा है क्या है मालूम होता, ये तकलीफ कई को हो रही बुखार की बोल को बोले तो हमारे को गिरीश डॉक्टर के पास लिख को दिए उन्होंने, हाँ स्कैनिंग सेंटर गिरीश। फिर मैं कल लेकर आई थी बच्चे को लेकर आया था, उन्होंने क्या बोले डॉक्टर साहब बच्चे को नींद की दवा डाल के स्कैनिंग करो बोल के बोले थे 5 ml, उसको ज़्यादा डोज नहीं देना बोल के बोले थे और उसके ऊपर लिखे हुआ भी था उन्होंने 5 ml, तो उन्होंने क्या करे वो रिपोर्ट वो लिए स्कैनिंग सेंटर को, हमें पैसे भरे फिर बच्चे नीचे भेजे उन्होंने, नीचे जाकर रिपोर्ट लिए बच्चे की मेरे, लेकर दवा मंगाए मेरे हाथ से, दवा मंगाए 1 बॉटल 2 बॉटल मंगा रहे थे उन्होंने, मैं एक ही बॉटल ला को दी उनको, तो उन्होंने क्या करे 25 ml फर्स्ट डाले के बाद मैं बोली भैया इतनी मत डालो तुम मेरे बच्चे को, इतना नहीं होता उन्हें रिकवर नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता, इतना ज़्यादा नको डालो बोले तो भी उन्होंने नहीं सुने, नहीं उन्हें जल्दी सोना पड़ता जल्दी सोना पड़ता, पीछे के पेशेंट के लिए मेरे बच्चे को इतना दवा डाल को इतना ख़राब ये करे मेरे बच्चे को, और क्या करे MRI को लेकर गए अंदर लिख जाकर उसे ज़रा चुमटी लेकर रोए सरगा करे फिर भेज दिए, जाओ बच्चा उठता तुम्हारा बोल के भेजे। फिर उधर से मैं खाजा मैंने दिन डॉक्टर साहब के पास आई, मैं बोली बच्चा नहीं उठा मेरा अभी तक, नहीं नहीं उठता बोल के बोले उन्होंने भी, हाँ वाड़ी को गए हमें, वाड़ी को जाओ को सारी रात देखे बच्चा उठाश नहीं मेरा, होश में नहीं आया, सुबह 5 बजे की ट्रेन से हमें गुलबर्ग आए, फिर खाजा मैंने दिन डॉक्टर पास ही जाए, आके फिर उन्हें चेक करे सांस लेने का 90% लेने का, बच्चा 60% ले रहा बहुत कम हुआ बोल के उन्होंने बसेश्वर हॉस्पिटल में भेजे हमारे को उनके PO के साथ, फिर उन्होंने आँखों सब चेक करके बच्चे को मेरे वेंटिलेटर पर रखे, बच्चे को अभी डॉक्टर बोले अच्छा हुआ जल्दी लेकर आए, अगर 5-10 मिनट लेट होता तो जान जा सकती थी बच्चे की बोले। फिर हमें क्या करे सब ये करके
हमारे भाई लोग आए आके यानी पॉलिटिशियन जाएंगे चलो उनके खिलाफ बात करेंगे बोले तो सर्कल साहब आए आके हमारी फरियाद सुने सब बात करें हमारे से भरमपुर पॉलिटिशियन उधर आए फिर उन्होंने भी सुने हमारी बात बैठ कर क्या है सो गिरीश डॉक्टर साहब को फ़ोन करे उनको बुलाए दो से तीन चार बार लगाए उन्होंने उनको बुलाए तो उन्होंने आए नहीं हाँ और हमें बात करे उन्होंने भी बात करे तो उनकी बात का ये भी नहीं दिया जवाब भी नहीं दिया उन्होंने आई भी नहीं और ज्योति मैडम जो है उन्होंने क्या बोल रहे हमारे को जाओ वहाँ पे जाके लड़ाई झगड़ा करो उसके बाद हम आके एक्शन लेते बोल के बोल रहे उन्होंने इसका इंसाफ करो हमारा मेरे बच्चा एक ही चाहे मेरे बच्चे के सिवा मेरा कोई भी नहीं है मेरा बच्चा एक ही लाश है मेरे को देखने वाला मेरे बच्चे के सिवा मेरा कौन भी नहीं है।